घूम रहा है या घूम रही है, आजकल दोनों का देना पड़ता है मेल फीमेल। तो खाना ढूंढ रही है, नहीं मिला, शिकारी को देखा, घबरा के दौड़ गए। तो जब हिरन दौड़ता है या दौड़ती है तो एक बड़ी खूबसूरत चाल होती है, गति होती है, जैसे आधा उड़ रहे हैं और आधा दौड़ रहे हैं ऐसे। तो उसको बोलों में भी दिखाना है, और जब उसके मतलब निकास में भी हाथ से निकल रहा है उसमें भी वो अंदाज आना चाहिए। तो छोटी सी चीज़ है बंदिश, इसको हिरन परन कहते हैं। तो हिरन घूम रहा है जंगल में या भोपाल में कहीं, न्यू मार्केट वगैरह में कहीं, मैकडॉनल्ड्स बंद, पिज्जा हट बंद, ढाबे भी सब बंद, तो कहाँ जाए। शिकारी शिकारी को देखा, घबरा के दौड़ गए। तो जब हिरन दौड़ता है या दौड़ती है तो एक बड़ी खूबसूरत चाल होती है, गति होती है, जैसे आधा उड़ रहे हैं और आधा दौड़ रहे हैं ऐसे। तो उसको बोलों में भी दिखाना है, और जब उसके मतलब निकास में भी हाथ से निकल रहा है उसमें भी वो अंदाज आना चाहिए। तो छोटी सी चीज़ है बंदिश, इसको हिरन परन कहते हैं। हिरन घूम रहा है जंगल में या भोपाल में कहीं, न्यू मार्केट वगैरह में कहीं, मैकडॉनल्ड्स बंद, पिज्जा हट बंद, ढाबे भी सब बंद, तो कहाँ जाए।
का वर्णन बारिश का एक अंदाज है, क्योंकि शायद आने जंगल में हिरण घूम रहा है या घूम रही है, आजकल दोनों का देना पड़ता है मेल फीमेल। तो खाना ढूंढ रही है, नहीं मिला, शिकारी को देखा, घबरा के दौड़ गए। तो जब हिरण दौड़ता है या दौड़ती है तो एक बड़ी खूबसूरत चाल होती है, गति होती है, जैसे आधा उड़ रहे हैं और आधा दौड़ रहे हैं ऐसे। तो उसको बोलों में भी दिखाना है, और जब उसके मतलब निकास में भी हाथ से निकल रहा है उसमें भी वो अंदाज आना चाहिए। तो छोटी सी चीज़ है, बंदिश, इसको हिरण परण कहते हैं। तो हिरण घूम रहा है जंगल में या भोपाल में कहीं, न्यू मार्केट वगैरह में कहीं,